एक्स में सवाल कहां से बनते हैं? सवाल बनते हैं कि किस डेट को ये पास हुआ, कितने इसमें आर्टिकल हैं, फलानी सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, और आरटीए एक्ट के केस में अमेंडमेंट भी हमको पढ़ने, तो आज हम सारा यही पढ़ेंगे। तो आरटीए एक्ट स्पेसिफिकली मेंशन तो है जेएन के जीके के अंदर विद स्पेशल रेफरेंस टू, लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद अब जो आरटीए एक्ट 2005 था ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होने लगा। हालांकि जब इस आर्टिकल का आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको आर्टिकल आरटीए एक्ट के पहले ही सेक्शन में लिखा होगा, कहां लगता है जी ये, मतलब पहले ही चैप्टर में कहां किधर लगेगा आरटीए एक्ट, उसमें लिखा है ऑल इंडिया एक्सेप्ट जे एंड के, ऑल इंडिया एक्सेप्ट जे एंड के, क्योंकि आर्टिकल 370 से पहले कोई भी भारत का लॉ अगर जे एंड के में एप्लीकेबल होना है तो यहाँ की असेंबली से पास होना चाहिए, तो यहाँ का अलग था आरटीए। बट 2019 के बाद जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये बोला गया ये सारे एक्ट अब यहां पर भी लगने लगेंगे, उनमें से आरटीए। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया हो कि 370 के हटने से पहले यहाँ एक ही को हेलमेट पहनना होता था, कि मोटर व्हीकल्स एक्ट यहां लगता नहीं था। जैसे ही आर्टिकल 370 खत्म हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कहा गया अब से मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जेएनके में भी लगेगा, उसके तहत आपको दो हेलमेट पहनने, पिलियन राइडर यानी जो आपके पीछे बैठा उसको भी पहनना है हेलमेट, वरना चलान होगा। पहले नहीं था ना ये, 2019 से पहले तो नहीं था, एक हेलमेट काफी था, अब दोनों पहनने पड़ते हैं। सिमिलरली 2019 से पहले ये वाला आरटीए एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये नहीं लगता था यहाँ पे, यहाँ का अपना आरटीए एक्ट था जेएनके का, 2019 के बाद लगने लगा। तो अगर आप इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेंगे उसमें लिखा है एक्सेप्ट जेएन, लेकिन अब 2019 के बाद जेएनके में भी यही एक्ट लगता है। जेएनके का नहीं पढ़ रहे हम पढ़ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया जो लग रहा है, जेएनके का अलग से था, उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो ऑब्सोलीट हो गया। तो आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, आप लोगों ने बचपन से सुनते आए हाँ जी वहां आरटीए फाइल कर दिया जी उन्होंने, सवाल जवाब कर रहे हैं, तो इतना तो पता है आपको कि इस एक्ट के द्वारा आप किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से सवाल जवाब कर सकते हैं। अब वो कितना सवाल जवाब कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं और किस किस से करते हैं, ये तो पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे मैं आरटीआई फाइल कर रहा हूं, मुझे आर्मी की सारी सीक्रेट बेसिस के बारे में बता दो, ये तो नहीं बता सकती ना सरकार। या बोलेंगे बताओ भाई पाकिस्तान के खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसकी प्लानिंग होने से पहले बता दो आपको, है तो सही, आप नागरिक को इस देश के आपको हक बनता है, लेकिन अगर सरकार आपको उसी वक्त बता देगी तो सक्सेसफुल कैसे होगी ऑपरेशन। इसी तरीके से रॉ के कौन कौन से एजेंट कहाँ है ये आरटीए एक्ट में नहीं पूछ सकते आप, इंटेलिजेंस ब्यूरो का बंदा कौन कौन कहाँ पोस्टेड है ये नहीं पूछ सकते। तो ये आरटीए एक्ट डिफाइन करता है कौन सी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो, कैसे पूछ सकते हो, किस से पूछ सकते हो, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन ना मिली तो आप क्या ग्रीवियंस कर सकते हो, किस से बोल सकते हो, किस से दुहाई लगा सकते हो कि सर हमने आरटीए भी फाइल किया तब भी हमें नहीं बताया जा रहा। तो ये एक लॉ है, एक एक्ट है के तहत इंफॉर्मेशन को कैसे सरकारी दफ्तरों और सरकारी मुलाजमों से लिया जाए ये आइडेंटिफाई किया गया। बात समझ में आई, इट्स अ एक्ट जिसने ये खुले खुले वर्ड में बोल दिया कि सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि भारत के हर नागरिक को राइट है वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मांगने का हक, ये आपको ये एक्ट दे रहा है स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ। और किससे मांगनी है, किसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, किसकी नहीं दी जाएगी, किससे पूछ सकते हो, किससे नहीं पूछ सकते, अगर चाहिए तो कितने दिन में आपको मिलना चाहिए इन्फॉर्मेशन, क्या फी उसकी होगी, क्या प्रोसीजर होगा, पूरा ये एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। तो ये आज पढ़ेंगे। और आरटीए एक्ट 2005 की अमेंडमेंट भी हुई 2019, छोटी मोटी अमेंडमेंट्स हुई वो भी हम पढ़ देंगे कि क्या अमेंडमेंट हुई। तो एक तो हमने आरटीए एक्ट 2005 पढ़ना है जो कि 2005 में पास किया गया था, और उसके बाद 2019 में उसमें क्या अमेंडमेंट। सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं आरटीए एक्ट में कितने आर्टिकल्स, कितने सेक्शंस, कितने चैप्टर्स और कितने शेड्यूल्स। तो पहले बेसिक चीज है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 और 2019 दोनों पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे इसमें कितने चैप्टर्स, कितने आर्टिकल्स, कितने सेक्शन। तो पूरे के पूरे जो सेक्शन हैं वो 31 हैं
इन 31 सेक्शंस को 6 चैप्टर में बांटा गया है। चैप्टर 1 में कुछ सेक्शन है, चैप्टर 2 में है, चैप्टर 3 में है, चैप्टर 4 में है, वो भी हम देखेंगे अभी। और लास्ट में कुछ जगहों पे जहां पर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड थी उनके लिए दो शेड्यूल बनाए गए। एक तो शपथ क्या होगी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, उसका शेड्यूल 1 है, और दूसरा शेड्यूल है किन किन ऑर्गेनाइजेशन से आप सवाल नहीं कर सकते आरटीआई एक्ट का, वो दो शेड्यूल में बताया गया। तो ये चैप्टर 31 सेक्शन, दो शेड्यूल, ये याद होना चाहिए। अब किस चैप्टर में कौन सा क्या है, सबसे पहले चैप्टर 1 है, सेक्शन 1 से 2 तक है। क्या है प्रिलिमिनरी, है हर एक्ट में उस एक्ट के बारे में बताया जाता है कि देखो भैया इस एक्ट का नाम ये है। एक्ट अपना नाम खुद बताता है तभी उसका वो नाम पड़ता है। आरटीआई एक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्ट ने खुद बोल दिया सेक्शन 1 में, सेक्शन 1 ने बोला इस आरटीआई एक्ट को, इस एक्ट को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कहा जाएगा, तभी इसको बोला जाता है। दूसरा होता है आप कहीं ये एक्सप्लेन करता है जहां भी तुम्हें इस एक्ट में दिखे पब्लिक अथॉरिटीज का मतलब क्या है, जहां भी तुम्हें दिखे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्ड इसका मतलब क्या है ना। जैसे कि अगर इन्हें एक्सप्लेन नहीं किया या जो हम लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, तो कल को बोलेंगे देखिए आपके एक्ट में लिखा है पब्लिक अथॉरिटी, ये भी तो पब्लिक अथॉरिटी है, तो नहीं पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, बोला कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ पब्लिक अथॉरिटी। तो एक्ट खुद ही बता देता है कि जहां मैं ये बोल रहा हूँ उससे ये मतलब निकालना, जहां मैं ये लिख रहा हूँ इससे मतलब निकालना। अगर ये चीज नहीं की जाए तो हर बंदा हर एक्ट में अपनी ही एक्सप्लेनेशन निकाले। जैसे धार्मिक किताबें होती हैं उनका भी तो यही मसला होता है, जो अलग अलग स्कूल थॉट ऑफ बन गए वो धार्मिक किताब का हर कोई अपना मतलब निकालता है। वैसे ही एक्ट का नहीं हो सकता ना ये कि आपके लिए एक्ट कुछ अलग मतलब निकाल रहे मेरे लिए अलग, तो एक्ट का फायदा नहीं हुआ। तो सेक्शन 1 में ही अक्सर पहली स्टार्टिंग में ही दिखा लिया जाता है कि जहां जहां पर ये वर्ड इस्तेमाल किए गए इनका क्या मतलब है, मैं आगे बताऊंगा आपको भी। चैप्टर 2 में राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सेक्शन 3 से लेकर 11 तक, सेक्शन 3 में कहा जाता है कि ये एक्ट भारत के नागरिकों को ये राइट देता है कि वो किसी से भी इंफॉर्मेशन ले, उनका हक है, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हक है मांगो। ये वो सेक्शन है जो आपको पावर दे रहा है। अब चलो आरटीआई फाइल करते हैं, तो बोलेगा ये जो ये आपको हक दिया किसने, अब बोले कि सर हमें हक दिया आरटीआई 2005 के सेक्शन 3 में, उसने बोला कि हमें हक है और पार्लियामेंट में पास हो गया, इसका मतलब हमारे पास हक है। तो राइट इन्फॉर्मेशन का हक सेक्शन चैप्टर 2 बताता है। साथ में ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी कि पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर क्या जिम्मेदारी डाली गई, सिर्फ मुझे हक दे दिया कि जाओ इन्फॉर्मेशन मांगो, लेकिन पब्लिक अथॉरिटी को बोला ही नहीं। पब्लिक अथॉरिटी बोलेगी जाओ तुम्हें हक दिया होगा लेकिन हमें तुमसे नहीं बोला, नहीं मांगते रहो इन्फॉर्मेशन, तो हमें तो किसी ने नहीं बोला कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन देनी है। पब्लिक अथॉरिटी को भी तो इन्फॉर्म करना है ना कि इस तहत इस एक्ट के तहत तुम पे ये जिम्मेदारी है। जो एक्ट हमें जिम्मेदारी दे रहा है, जो हक हमें हक दे रहा है, राइट दे रहा है, अगर वो एक्ट किसी पे जिम्मेदारी ना डाले तो उस हक का फायदा क्या, ऑब्लिगेशन भी डालना जरूरी था। बात समझ में आई। चैप्टर 3 में क्या है, अब दो लेवल पे बनाए गए इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, कमीशन सेटअप किए गए। अगर कोई सरकारी दफ्तर मना कर दे इन्फॉर्मेशन, बोला भी गया उनको कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, मना कर दे तो अब क्या करोगे, लड़ाई करोगे उसके साथ, मारपीट करोगे, नहीं। बताया कि यहाँ कमीशन भी बना दी हमने, अगर तुम्हें ये नहीं दे रहा इस कमीशन में जाओ रिक्वेस्ट करो, घसीटेंगे उसको। जैसे कि आर्टिकल 17 में भारत के संविधान में बोला गया कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आज से अनटचेबिलिटी खत्म की, बोल तो दिया, लेकिन अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने वालों के ऊपर कोई सजा नहीं है तो फिर फर्क क्या पड़ रहा है आपने क्या लिखा है, कौन लिख तो दिया एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, लेकिन अगर उस एबॉलिशन के बावजूद भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनपे क्या क्या उनपे सजा, वो अलग से पास हुआ एक्ट। इसी तरीके से राइट इन्फॉर्मेशन तो दिया, ऑब्लिगेशन भी बता दी सबको, लेकिन अगर उसने नहीं दी तो क्या, जाओ इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास, ये रटा देंगे, उनका काम ही यही है। दो लेवल भी बनाए गए, सेंटर पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और 10 तक साथ में उसके मेंबर हो सकते हैं जिनको इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कहा जाएगा। और इसी तरीके से स्टेट में भी एक इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया कि अगर आप सेंटर नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते, तो आप स्टेट लेवल पे भी बोल सकते हो सर हमने वहां फाइल की थी, ये दे नहीं रहे इन्फॉर्मेशन, ये घसीटेंगे उनको। और मानो जो इन्फॉर्मेशन कमीशन हैं जो सेटअप की गई इस एक्ट के अंदर, ये कोर्ट की तरह ही, इनको कोर्ट की पावर दी गई, सिविल कोर्ट जो होता है ना, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, मैरिज डिस्प्यूट वगैरह चलते हैं, वैसी ही पावर इनको दी गई कि आप कोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हो, आप एविडेंस मंगवा सकते हो, आप पेशियां लगवा सकते हो, आप समन इश्यू कर सकते हो, तो पावर दी गई।
चैप्टर नंबर फोर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ, फिर ये बोला कि हाँ भाई चैप्टर थ्री में बोला कि हम कमीशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, चैप्टर फोर में बोला इनकी पावर क्या होगी, चैप्टर फाइव में मिसलेनियस चीजें, वो क्या क्या मिसलेनियस हम सब पढ़ेंगे, और चैप्टर सिक्स में पावर टू मेक रूल्स, ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। ये याद रहे ना रहे ये जरूर याद रहना चाहिए, ठीक है। इस सेक्शन में क्या है वो कुछ कुछ सेक्शन है जो याद रखना है, चैप्टर वन टू थ्री याद रख लेना, कितना याद होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट पे आए दो शेड्यूल मैंने आपको बताए क्या क्या, छह चैप्टर 31 सेक्शन और दो शेड्यूल। शेड्यूल वन में लिखा है ओथ एंड एफर्मेशन, शपथ लेनी है तो क्या लेनी है, किसकी शपथ लोगे आप। अब आप जब भी ओथ का यानी शपथ का वर्ड इस्तेमाल करोगे ना जब पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहां साथ में एफर्मेशन भी आएगा। एफर्मेशन उसके लिए जो किसी धर्म को नहीं मानता, शपथ तो वो ग्रहण करेगा ना जो किसी किसी को मानता है, खुदा की ले ले, भगवान की ले ले, वाहेगुरु की ले ले। अब जो मानता ही नहीं है तो क्या करेगा, वो एफर्मेशन करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ जो धर्म फॉलो करते हैं सिर्फ उनको नहीं प्रोटेक्ट करता, उनको भी प्रोटेक्ट करता है जो धर्म नहीं फॉलो करते, डेमोक्रेसी का ही मतलब होता है। तो उनके लिए होता है एफर्मेशन, वो एफर्म करते हैं कि मैं एफर्म करता हूं, मैं वादा करता हूं, उनके लिए शपथ नहीं होती, उनके लिए एफर्मेशन होती है। फोर्थ एंड एफर्मेशन इसमें है शेड्यूल वन में। शेड्यूल टू में वो कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनसे आप नहीं मांग सकते, आरटीआई फाइल नहीं कर सकते, बट ऑब्वियस है रॉ से तो नहीं पूछ सकते बताओ भाई एजेंट कहाँ कहाँ है, हमको पता होना चाहिए। आप पब्लिक में लीक कर दोगे जहां जहां भी एजेंट्स होंगे वो मरवा दिए जाएंगे। आर्मी से तो नहीं पूछ सकते आपकी सीक्रेट बेस कहां पर है ना, सरकार से नहीं पूछ सकते कि बजट में क्या लाने वाले हो, तो अगर पहले पता चल जाएगा तो लोग फायदा उठा लेंगे। इसीलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को इस एक्ट नहीं बोल दे कि इनसे नहीं मांग सकते आप, बाकी उसे मांगो। अब अगर इंट्रोडक्शन, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है आरटीआई एक्ट का, ऑब्जेक्टिव यही है कि आप को पब्लिक इंफॉर्मेशन, सरकार के द्वारा लिए गए स्टेप्स, इंफॉर्मेशन हासिल करने का हक होना चाहिए। आप ही ने इलेक्ट किया उनको, आप ही के टैक्सेस और आप ही के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके वो देश को चला रहे हैं, तो पता होना चाहिए आपको, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन से क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है खुला खुला सब कुछ, जो हो रहा है खुलेआम हो रहा है, कोई छुप छुपा के काम नहीं हो रहा। अब जब जो कुछ भी हो रहा है खुलेआम हो रहा है तो काम करने वाले सरकार में जो है उनको भी सोच समझ के काम करना पड़ेगा, वरना जनता जूते मारेगी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सरकार में जो कुछ भी हो रहा है सबकी आंखों के सामने है। और ट्रांसपेरेंसी की बात आती है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदारी। जवाबदारी तब आएगी ना जब आपको पता चलेगा इन्होंने कुछ गलत किया है, तब जवाब मांगोगे ना। अगर पता ही नहीं गलत किया तो जवाब कहाँ मांगोगे, बताओ भाई क्यों किया, क्यों खर्चा किया इतना रोड पे, और रोड पे अगर इतना खर्चा किया तो छह महीने बाद ही खराब क्यों हो गई है, कौन था जिसको कॉन्ट्रैक्ट लाया था, किसने पैसा खाया। जवाबदारी तब करोगे ना जब आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन पर्पज का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन जनरली सरकारी दफ्तरों में ही रह जाती है, कोई भी कभी भी जाके उस इन्फॉर्मेशन को मांग सकता है। ये है पर्पस राइट टू इन्फॉर्मेशन का। अब जब बात करें कि ये एक्ट पास कब हुआ, तो ये 15 जून 2005 ये डेट आपको याद होनी चाहिए। 15 जून 2005 को ये पास हुआ। कुछ सेक्शंस, एक तो होता है पास होना, एक होता है एनेक्ट होना या फिर एनफोर्स होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जिस दिन एक्ट पास हो जरूरी नहीं कि उसी दिन एनफोर्स हो जाए, यानी मान लो आज की डेट में लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, बन गया वो एक्ट, लेकिन अगर सरकार ने उसको गजट में नहीं डाला, सरकार को नोटिफाई करना पड़ता है लोगों को, सरकार अपनी ऑफिशियल गजट में डालता है कि हाँ भाई आज से ये वाले एक्ट लग गया आपके ऊपर, बेशक पास या छह महीने पहले पुराना हुआ हो, लेकिन जब तक वो सरकार लोग बताएगी नहीं लोगों को कि भैया देखो हमने एक्ट पास किया था छह महीने पहले, आज वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, आज से तुम जो काम करोगे वो इस एक्ट के तहत करोगे। मिसाल के तौर पर सरकार ने बोला कि अब से जो भी चोरी करेगा उसके हाथ काट देंगे फॉर एग्जाम्पल, तो ये आज तो पास हो गया लेकिन एनफोर्स नहीं हुआ क्योंकि उन्हें सरकारी गजट में नहीं डाला, छह महीने बाद हुआ एनफोर्स हुआ, जिस दिन वो उनने सरकारी गजट में बताया कि आज से ये एनफोर्सेबल है, कहने का मतलब है कि उस छह महीने में अगर आपने कुछ काम किया भी हो तो उस एक्ट के तहत आपको सजा नहीं दी जाएगी जब तक कि वो एनफोर्स ना हो। तो ये
पार्टली तो उसी दिन एनफोर्स हो गया था, दिन पास हुआ था, और इस एक्ट ने खुद ही बता दिया कि बाकी सेक्शन 120 दिन बाद एनफोर्स होंगे। तो फुल्ली जो एनफोर्स हुआ ये वो हुआ 12 अक्टूबर। तो इस दिन हुआ पार्शली, जैसे कि आप याद करो प्रीएम्बल में कौन सी डेट लिखी हुई है, ऑन दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू वी गिव आवरसेल्व्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर की डेट लिखी गई है, 26 जनवरी 26 नवंबर ये याद रख लो, ऐसे याद रहेगा। तो लेकिन हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, तो जनवरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के काफी सारे प्रोविजन तो 26 नवंबर को ही हो गए थे, लेकिन काफी सारे प्रोविजन को रोक के रखा गया यार, 26 जनवरी के दिन हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया है आजादी की स्ट्रगल में, उसको हमेशा याद रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट 26 जनवरी को करो। 26 नवंबर को तो कुछ पार्ट हुए, पूरा एनफोर्स कब हुआ वो 26 जनवरी को। इसी तरीके से कुछ पार्ट 15 जून को हुए एनएक्ट आरटीए एक्ट के, और उसके 120 दिन बाद 12 अक्टूबर को फुल फ्लेज जितने भी सेक्शन थे आरटीए एक्ट के सब एनफोर्स हो गए। समझ में आई बात? अब डेफिनेशंस बताई गई हैं, अभी तो मैं सिर्फ आपको सेक्शन में नहीं ले जा रहा, सेक्शन बोरिंग होती है, सेक्शन में अलग से ले जाऊंगा आप, ये मैं ऊपर ऊपर से आपको पहले कंफर्टेबल करवा रहा हूं उसकी लैंग्वेज के साथ। तो चैप्टर नंबर 1 में, सेक्शन 1 में तो ये लिखा है इस एक्ट को क्या कहा जाएगा, इस एक्ट का टाइटल क्या है। सेक्शन 2 में एक्सप्लेन किया गया है डेफिनेशन, जहां जहां भी इस पूरे एक्ट में आपको पब्लिक अथॉरिटी पढ़ी जाएगी उसमें कौन कंक्लूड होंगे, गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या अगर सरकारी दफ्तर नहीं भी है वो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको सरकार ने पैसा दिया हुआ है, फंड किया हुआ है, वो भी आरटीए एक्ट के अंदर आ जाएगा, उससे भी आप जवाबदारी कर सकते हो, चाहे वो सरकारी ना हो लेकिन सरकार से पैसा लिया हो उसने किसी काम के लिए, सरकार ने उसको फंड किया हो उसकी इंस्टीट्यूशन को, उससे भी आप सवाल जवाब कर सकते हो। नॉर्मली हम तो बोलते हैं हाँ पब्लिक अथॉरिटी यानी सरकारी बॉडी में, तो प्राइवेट नहीं आएगी, लेकिन इसने बोल दिया जिस इंस्टीट्यूशन ने सरकार से पैसा लिया हुआ है, गवर्नमेंट फंडेड है, वो उससे भी सवाल जवाब कर सकते। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन, अब ये भी एक्सप्लेन करना जरूरी था कि इंफॉर्मेशन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप गए, हाँ भाई लाओ जो आपने वीडियो उठाई है गवर्नर साहब के साथ, बोलेगा नहीं सर इंफॉर्मेशन में तो सिर्फ कागज आएंगे, वीडियो नहीं दे सकते हैं। तो इसने एक्सप्लेन किया कि क्या मतलब है इंफॉर्मेशन से, इंफॉर्मेशन से मतलब है एनी रिकॉर्डेड डेटा, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो रिपोर्ट हो, जो भी डेटा आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो सारा इंफॉर्मेशन में आएगा, एनी रिकॉर्डेड डेटा, वो चाहे फिर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में करो, चाहे आप पेपर पे लिखो, चाहे आप लैपटॉप में डॉक बनाओ, चाहे आप वीडियो बनाओ, चाहे फिर वो टेंडर डॉक्यूमेंट, हर चीज इंफॉर्मेशन में आएगी, जो भी सरकार अपने लेवल पे रिकॉर्ड कर रही है वो सारा देख सकते हैं। मैंने खुद बताया कि इंफॉर्मेशन का मतलब ये है, राइट टू इंफॉर्मेशन, अब बोल तो दिया कि आपकी हक है आपका इंफॉर्मेशन लेने का, लेकिन उस हक में क्या क्या आता है इंफॉर्मेशन, उसमें आता है कि हम रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, हमारा हक है इंफॉर्मेशन ली, इंस्पेक्शन की, हम रिकॉर्ड की कॉपी भी ले जा सकते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते थे कि हाँ हाँ आरटीए एक्ट में लिखा तो है कि आपका इंफॉर्मेशन ले सकती है, आओ और देखो और निकलो, मैं बोला नहीं कॉपी भी ले सकते हैं, इनका हक है कॉपी लेना, आपके डॉक्यूमेंट कॉपी बना के दो इनको, खुद बताया आरटीए एक्ट ने। फिर इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन एक्सेस भी ले सकते हो आप, पेन ड्राइव ले जाओगे उसमें भी डाल के दे सकते हो, तो आरटीए ने खुद बता दिया कि किस तरीके से क्या क्या चीजें आप ले सकते हो, ठीक है जी। कहां अप्लाई होगा, पूरे हिंदुस्तान में, और अगर आप एक्चुअल एक्ट की पीडीएफ डाउनलोड करोगे यहां लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग जेएनके, लेकिन अब 2019 के बाद जेएनके पे भी लग गया, कैसे लगा, आर्टिकल 70 से तो हटा लेकिन उसके साथ सरकार ने पास किया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें बोला कि अब आरटीए एक्ट जम्मू कश्मीर, बात समझ में आई। एक्सक्लूजन क्या है, किससे नहीं मांग सकते, सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी, इनसे नहीं मांग सकते, और आगे आप देखोगे जब हम एक्ट पढ़ेंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी जो नहीं मांग सकते, और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी जिनसे नहीं मांग सकते,
जैसे कि अब आप बोलोगे हाँ भाई अभी प्रधानमंत्री जी मिले थे कैबिनेट मीटिंग में, क्या बोला उन्होंने बताओ, वो तो नहीं पूछ सकते वो, कि वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है तो भगदड़ मच सकती है, या फिर अगर पब्लिक में लीक हो जाए तो नुकसान हो सकता है सरकार का, है ना। सरकार के तौर पर सर कैबिनेट में डिसाइड हुआ कि फलानी जगह से रिंग रोड निकलेगी, अब अगर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई आरटीआई के थ्रू, तो आप जाके वहां सस्ते दाम पे जमीन ले लोगे, तो जो बेचारा गरीब था जिसकी जमीन की कॉस्ट बढ़ने वाली, उसको पता नहीं चलेगा। चलिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन से भी नहीं मांग सकते, जैसे कि इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी। सेक्शन 3 है जो ये हक आपको दे रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन, खुद बता रहा है, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी। और पब्लिक अथॉरिटीज क्या है? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट। बता दिया इसने, खुद बता दिया कि क्या है, ठीक है। सेक्शन 4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है पब्लिक अथॉरिटी की, आपकी क्या एब्लिगेशन है। ये कह रहा है कि आपको सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना, जो भी काम करोगे ये आपकी ऑब्लिगेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन उनके सर पे डाल रहा है। ये मत बोलना कल की सर काम तो हमने किया बट कहीं लिखा नहीं, ये नहीं चलेगा। जो काम करोगे सब लिखत पढ़त में ब्लैक एंड व्हाइट पे होना चाहिए। दूसरा, इसने ये भी बोला कि इससे पहले कि लोग तुमसे इंफॉर्मेशन मांगे, तुम क्यों ना अपनी वेबसाइट पे रिलीज कर दो, खुद ही रिलीज कर दिया करो, तुम्हारा काम कम हो जाएगा। जो चीज कोई नहीं भी मांग रहा डाल दो वेबसाइट पे, तो तुम्हारी आरटी एप्लीकेशन कम हो जाएगी, और जिसको चाहिए होगा वो वेबसाइट जाएगा डाउनलोड कर लेगा, तुम क्यों छुपा रहे हो इन्फॉर्मेशन। तो खुद एनकरेज किया उनको, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, खुद से रिलीज क्लियर करो, तो वेट मत करो कि आरटी मांगेगे तब देंगे वरना नहीं देंगे, खुद रिलीज करते रहो, तुम्हारा काम कम रहेगा, खुद ही कोई मांगेगा बोलेगा सर तू आरटी क्यों फाइल कर रहा है, वेबसाइट पे देख लिया हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। तीसरा, पब्लिश ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स फंक्शन पावर एंड सैलरी स्ट्रक्चर, ये भी बताओ कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन क्या है, डायरेक्टर कौन है, क्लर्क कौन है, पियोन कौन है, किसकी कितनी सैलरी है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, ताकि लोग अकॉर्डिंगली जान पाए। अब आप किसी सरकारी दफ्तर गए, वहां बोला सर मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही, बोला सॉरी सर मैं तो नौकर हूँ यहाँ पर, होगा वो डायरेक्टर, या हो सकता है वही जेई हो सकता है वही लाइनमैन हो जिसकी गलती है, अब वो छुपा रहा है, तो आपको लग रहा है शायद यार इसको तो इसके हाथ में नहीं है, या फिर कोई बोल रहा है मेरा काम नहीं है, आप जाते हो सरकारी, सर ये क्यों नहीं हो रहा, ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारे तो ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में लिखा कि तुम्हारा काम है, तो जेई हो इस एरिया के, तुम क्यों नहीं करो, तुम्हारे तो काम है, अगर तुम्हें बता दिया उसने तो मेरा काम नहीं है, अब वो कैसे पता आपका उसका काम है कि नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन के सर पे डाला गया, अब ये पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ तुम्हारे किस एम्प्लॉय की क्या है, ताकि तुम सवाल पूछ सको उनसे, वरना वो झूठ बोल देगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब जब लिखत पढ़त में होगा सारी चीजें की ये है इसकी सैलरी चाहिए, अभी तो हम बोलते हैं किसी किसी को कि हमारे टैक्स से सैलरी खा रहा है और काम नहीं करेगा, एक सैलरी की जानने की पावर किसने दी आरटीआई। सेक्शन 5 बताता है कि हर दफ्तर को आइडेंटिफाई करना है एक ऑफिसर, एक टैग देना है एक ऑफिसर को, एक बंदा चूज करना है हर दफ्तर में, इसका नाम रहेगा पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये अलग से पोस्ट नहीं है, जो ऑलरेडी वहां काम कर रहे हैं उन्हीं को दिया जाता है कि आज से तुम पीआईओ यहां के। अब जब भी कोई भी आरटीआई फाइल करेगा वो नहीं ना ऐसे दफ्तर पर फेंकेगा कि मैंने आरटीआई एप्लीकेशन फेंक दी, किसी एक को सबमिट करना है, तो आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो भी आरटीआई एप्लीकेशन होगी ये बंदा हैंडल करेगा, ये बंदा निकाल के देगा इन्फॉर्मेशन, तो पीआईओ डेजिग्नेट किया जाता है। पीआईओ मस्ट असिस्ट एप्लीकेंट्स एंड फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू प्रेसिडेंट। अब हमें भी नहीं पता यार, हम पढ़े लिखे हैं, हमको भी नहीं मालूम कि कैसे जाके आरटीआई फाइल करनी है, तो आपको नहीं पता, आप बोलोगे सर मैं फलानी जगह से बिलोंग करता हूँ मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बोले कोई बात नहीं मैं आपको बताता हूँ कैसे फाइल करनी है एप्लीकेशन। तो पीआईओ का काम होता है बताना कि कैसे एप्लीकेशन लिखनी है, क्या उसमें लिखना है, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो पीआईओ का काम होता है। और अगर पीआईओ को लगता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं है, ये तो हर अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, तो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड भी वही करता है आगे, सर ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं है, मेरे हेड के पास है, मैंने फॉरवर्ड कर दिया, तो आप उनके पास, बात समझ में आई। हाउ टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, एक्ट ने ये भी बता दिया कि आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, फी डिपॉजिट करनी है, और फी डिपॉजिट करने के बाद आगे आएगा कितने टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और फिर आगे आएगा कि अगर इतने टाइम में नहीं मिली तब आप क्या कर सकते हो, 30 दिन के अंदर, लेकिन अगर लाइफ या लिबर्टी की बात हो 48 आवर्स। अगर अगर आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे आपकी जान पे या आपकी लिबर्टी पे फर्क पड़ सकता है, फिर तो 48 आवर्स में देनी है। ये देखो
जब भी आप इन्फॉर्मेशन फाइल करोगे स्टैंडर्ड टाइम 30 दिन का, लेकिन अगर अर्जेंट रिक्वेस्ट है यानी कोई भी रिक्वेस्ट जो आपकी लाइफ या लिबर्टी को थ्रेटन कर रहा है वो तो अगले बंदे को 48 आवर में देनी पड़ेगी। और फी भी सबमिट होती है, एक मिनिमल से फी, ठीक है ना, वो भी आपको सबमिट करनी, उसके बगैर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए माफ भी है, तो फी नहीं देनी पड़ती। अब ये सेक्शन 8 बता रहा है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड का मतलब कि ये नहीं देंगे हम, वी विल नॉट गिव दिस इंफॉर्मेशन। क्या है? मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। तो ऐसी इंफॉर्मेशन की फलाने देश के साथ हमारा क्या रिलेशन है, बताओ भाई इसराइल हमें कौन कौन से वेपन दे रहा है बताओ, वो नहीं मांग सकते आप, वो तो हमारा सीक्रेट है, वो किसी को नहीं पता चलेगा। बताओ भाई रशिया से कितनी ऑयल खरीद रहे हो छुपके छुपके, वो नहीं बोल सकते। ट्रेड सीक्रेट्स, ट्रेड सीक्रेट का मतलब होता है कि आपने कुछ चीज़ इन्वेंट की, याद की। अब जरूरी नहीं कि वो प्राइवेट ही याद करता है, सरकारी कंपनियां भी करती हैं भाई, इसरो DRDO ये भी तो कर रहे हैं, वेपन वगैरह बना रहे हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते हाँ भाई जो आपने वो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है बताओ उसका फॉर्मूला क्या है। ये बता दो कि फॉर्मूला आपके पास आएगा, वहां से जाएगा किसी और मुल्क में, वहां वो भी बना देंगे, या फिर हो सकता है आप ही घर में मिसाइल बनाने लगो, खतरा है ना। बताओ भाई इंडिया के ग्रेनेड में क्या क्या पड़ता है, वो इन्फॉर्मेशन जैसे भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह ने क्या बोला कि हाँ मैं बताऊंगा, मीडिया को बुलाऊंगा। तो अब उन लोगों को रियलाइज नहीं करना क्या चाह रहा है, उसने बम बनाने का तरीका बताया, वो सब मीडिया वालों ने छाप दिया, पर हिंदुस्तान को बम बनाना आ गया। चाहता ही था कि हर किसी को पता चले तो रेवोल्यूशन हो जाए। तो वैसे ही कई सारी चीजों का ट्रेड सीक्रेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, कोई ट्रेडमार्क, कोई कॉपीराइट, कोई इन्वेंशन, उसका फॉर्मूला, उसका डिजाइन आप नहीं मांग सकते। ऑब्वियस ही बात भी है, वो क्यों मांग सकते, वो क्यों मांगोगे आप। सरकार ने एक की है मेहनत, पैसा इन्वेस्ट। अब आप बोलोगे हाँ एक काम करो, जो आपने इसरो में ये रीयूजेबल रॉकेट बनाया उसके मुझे फॉर्मूला बताओ। क्यों भाई, वो तो स्टेट सीक्रेट है, वो हमने तुम्हें दे दिया, तुम जाके किसी और को दे दोगे, जितना हमने इतना करोड़ों रुपए खर्चा किया वो दूसरे कंट्री भी बना देंगे, तो हम क्या करेंगे। वो नहीं मांग सकते आप। पर्सनल प्राइवेसी, आप बोलोगे डायरेक्टर साहब की सैलरी तक तो ठीक था, मुझे ये बताओ कि ये रहता कहाँ है और ये किस किस से बातें करता है प्राइवेट लाइफ में, वो नहीं कर सकते आप। इसकी शादी हुई कि नहीं हुई, बच्चे हैं कि नहीं है, ये प्राइवेट क्वेश्चंस हैं। उसका पब्लिक ऑफिस में बैठने से रिलेटेड सवाल पूछो, सैलरी कितनी है, पावर कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है, कौन सा एग्जाम क्वालिफाई है, ये नहीं बोल सकते कि बताओ भाई कहाँ रहता है, एड्रेस क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ सकते, ठीक है ना। कैबिनेट पेपर्स, कैबिनेट मीटिंग चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, जैसे कि अभी कैबिनेट मीटिंग हुई है किस रिलैक्सेशन के रिलेटेड, पता चला आपको, एज रिलैक्सेशन। कैबिनेट मीटिंग हुई लेकिन वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं, सिर्फ पता चला कि मीटिंग हुई है और ऐसा कुछ बात हुई है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। इसी तरीके से कैबिनेट में डिसाइड होता है कहाँ पर क्या बनाना है, किसको क्या अपॉइंट करना है, क्या है क्या नहीं है। तो वो कैबिनेट के जो डिसीजन होते हैं वो सरकार तक है, वो अगर चाहे तो बताए चाहे तो ना बताए, क्योंकि अगर आपको पहले बता दी तो प्रॉब्लम हो सकती है। सरकार के तौर पर अब कैबिनेट ढूंढ रही है कि अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको बनाया जाए। अगर ये पहले ही इन्फॉर्मेशन मार्केट में आ जाए, हो सकता है उनकी जान को खतरा हो सकता है कि करप्ट हो जाए, कोई खरीद ले कुछ हो जाए, तो ये सारी चीजें होती है, वो नहीं कर सकते आप। ये सेक्शन 8 आपको बताता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। और सेक्शन 24 आगे आएगा तो ये बोलेगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मांग सकते। दो किस्म की चीजें हैं, सेक्शन 8 कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, सेक्शन 24 कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं पूछ सकते, ये दो चीजें एक्सेप्शन। अपील्स एंड पेनल्टीज, अगर तो आपने सारा प्रोसीजर फॉलो किया, आप सरकारी दफ्तर गए, आपने एप्लीकेशन फाइल की, आपने फी पे की, 30 दिन हो गए नहीं दी उस इन्फॉर्मेशन, अब क्या करोगे, अब आप अपील कर सकते हो इन्फॉर्मेशन कमीशन से। 30 दिन के अंदर आप उसी के सीनियर ऑफिसर को भेजाओगे, बोलोगे सर इसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अगर 30 दिन के 2 महीने बाद भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, अब आप जा सकते हो या तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास या तो स्टेट इन्फॉर्मेशन, सर 90 दिन इंतजार कर दिया नहीं दी इन्फॉर्मेशन, फिर वो घसीटेंगे इनको, जाओ क्यों नहीं दी, पेनल्टी लगा सकते हैं, यहां तक कि 25,000 तक की पेनल्टी लगा सकते हैं। सेक्शन 20 बताता है 25,000 तक की, अगर PIU ने डिले किया है तो बोलते अच्छा तुमने 90 दिन डिले किया, कोई बात नहीं, अनरीजनेबली डिले किया, डिनाई किया, फिर तो तुम पे 250 रुपये पर डे हिसाब से लगेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि यार रिकॉर्ड आप 1880 का मांग रहे हो, तो निकालने में टाइम तो लगेगा ना, कहां कहां पर पड़ा है, तो उससे तो नहीं लगाएगा,
अनरीजनेबली मना नहीं होना चाहिए यार, ऐसे ही मना कर दिया। हाँ यार, अब पूरा रिकॉर्ड है, मैं एक बंदा हूँ इस ऑफिस में, मुझे पूरे रिकॉर्ड खोल खोल के देखने, अपना काम भी है मुझे, सर टाइम लगेगा, कमीशन कमीशन की नहीं, सही बात बोल रहा है यार, ये कहाँ से निकालेगा 1880 का रिकॉर्ड, टाइम लगेगा उसमें, अंग्रेजों के टाइम का रिकॉर्ड मांग रहे हो तुम, तो पता नहीं धूल मिट्टी में कहाँ पड़ी हुई है, उस सेंस में टाइम लग सकता है, लेकिन अगर जान बूझ कर बिना किसी रीजन के उसने डिले किया तो पर डे के हिसाब से उस पर 250 रुपये फाइन लगेगा, सेक्शन 20 के हिसाब से। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 3 राइट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सेक्शन 8 एक्सेप्शन बता रहा है, सेक्शन 20 पेनल्टी बता रहा है, ये सेक्शन याद रखना, कौन से सेक्शन में पेनल्टी बताई, सेक्शन 20 में, कौन से सेक्शन में राइट इन्फॉर्मेशन हमें मिला हक, सेक्शन 3 में, ठीक है ना, इस तरीके से सेक्शन याद रखनी है। अब चीफ इंफॉर्मेशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि एक इंफॉर्मेशन कमीशन में एक होगा CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और 10 तक के उसके साथ में इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एक होगा चीफ, एक होगा इंफॉर्मेशन, इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, दो किस्म की पोस्ट होती है, तो सेंटर और स्टेट ये दो अलग अलग चीजें, सेंटर में भी इंफॉर्मेशन कमीशन होगी, स्टेट में भी होगी, एक कमीशन में एक होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 तक हो सकते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और अपॉइंटमेंट किससे होती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सेंटर में, गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट में, लेकिन ये अपनी मर्जी से नहीं अपॉइंट करते, ये अपॉइंट करते हैं रिकमेंडेशन ऑफ PM प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस जो भी कोई कैबिनेट मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दे, कोई भी एक कैबिनेट मिनिस्टर और, ठीक है ना, तो PM लीडर ऑफ अपोजिशन और एक और कैबिनेट मिनिस्टर को PM नॉमिनेट करे, इन तीनों की जो रिकमेंडेशन होगी वो ही चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे मैक्सिमम प्रेसिडेंट या गवर्नर जो भी करता है वो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ PM या CM करता है, अपनी मर्जी उसकी बड़ी कम होती है, प्रेसिडेंट की जो पावर है वो सेरेमोनियल है, सिर्फ एक ही पावर है वो है पॉकेट वीटो, वो भी पावर नहीं है, वो पावर एक्चुअली क्या है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं कि कितने टाइम में प्रेसिडेंट को साइन करना है वापस, इसलिए उसके पास पावर आ गई, वो कहीं नहीं लिखा कि प्रेसिडेंट को कितने टाइम में साइन करके वापस बिल भेजना है, तो इसलिए वो पावर बन गई कि कहीं लिखा नहीं है तो मैं जितना टाइम ले सकता है ले सकता हूँ, वो पॉकेट वीटो है, वही उसके अपने बस में, अदरवाइज नहीं है, ठीक है, बाकी सब उनको करना है PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे, और यहां पर स्टेट में भी CM जो होगा प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन जो होगा प्लस जो आपका एक कैबिनेट मिनिस्टर जो CM नॉमिनेट करे वो होगा, इनकी रिकमेंडेशन पे गवर्नर अपॉइंट करेगा, बात समझ में आई, ठीक है जी। सेक्शन 25 बोलता है आपको CIC को और SIC को दोनों को ही हर साल एक एनुअल रिपोर्ट लानी है जो कि प्रेजेंट की जाएगी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली में और सेंटर में पार्लियामेंट में, उसमें ये लोग बताएंगे कि कितनी इनने कंप्लेन एंटरटेन की, कितनी इन्हें डिस्पोज ऑफ की, कितनी इन्हें इन्फॉर्मेशन छुड़वाई, क्या क्या प्रोसीजर लिए आपने ताकि RTI और फैले दुनिया में, सॉरी इंडिया में, तो सब इनमें रिपोर्ट देनी पड़ती है इनको, सेक्शन 25 बोलता है आपको रिपोर्ट देनी देनी है। अच्छा जी, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा कोई काम करे उसका रिजल्ट अलग निकले लेकिन वो चाहता नहीं था गलत करना, जैसे कि एक ऑफिसर ने एक जान बचाने के लिए कोई डिसीजन ऑन स्पॉट लिया, कोई डिसीजन इनलीगल था लेकिन जान बची उससे, पार्टी एक्ट के थ्रू निकला बाहर, वो बात देखो यार इसने क्या किया, तो बोलेगा भाई ये तो इन गुड फेथ लिया इसने, अब रूल कभी कभार आपके अगेंस्ट भी हो जाता है, मिसाल के तौर पे रूल है कि जिसके पास आधार कार्ड है और जो PPL कैटेगरी में है उसको आपने राशन देना है, अब एक बूढ़ी औरत आ गई, ना उसके पास आधार कार्ड, ना उसके पास घर, ना उसके पास EWS सर्टिफिकेट, भूखी मर रही है, ऑफिसर के पास आ गई, अब अगर उसको राशन दे रही तो इलीगल हो जाएगा, उसने कैसे दिए जब उसके पास आधार कार्ड नहीं था, ना दे तो मर जाएगी, अब अगर उसने उसको राशन दिया और आईटी एक्ट में देखा कि देखो इसने उल्लंघन किया रूल का बिना आधार कार्ड के तो गलत हो गया क्या, तो जब भी कोई ऑफिसर गुड फेथ में काम करे और अगर वो थोड़ा रूल फॉलो ना भी करे माफ किया जाता है, तो इसने
लीगल प्रोटेक्शन दे रही उसको, इसने गुड फेथ में काम किया हो, अगर ये प्रूव हो जाए कि इसने कोई धांधली के लिए कोई करप्शन के लिए नहीं किया, लोगों की हेल्प के लिए किया, लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। अच्छा जी, जहां जहां पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है कि ये इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे, लिखा हो उनके ऑर्गेनाइजेशन में लेकिन आरटीए बोला कि देना है, तो फिर आरटीए ओवरपावर कर जाएगा उसको। वो ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं बोल सकती सर सॉरी हमारे एम्प्लॉयमेंट में लिखा हुआ कि हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, बोलेगा ना ये नहीं चलेगा, चलेगा आरटीआई, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन जिसको खुद आरटीआई ने रोक रखा है ना देने से, उसके अलावा आपको सब देनी पड़ेगी। तो कोई भी एक्ट एग्जिस्ट कर रहा हो, जैसे कि एक एक्ट है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो अंग्रेजों के टाइम से भारत में है, इसका पर्पज ये है कि काफी सारे स्टेट सीक्रेट्स को छुपाना, जहां जहां पर भी लिखा है कि इंफॉर्मेशन नहीं देनी है वहां पर आरटीआई एक्ट ओवरराइड कर जाएगा कि अगर ये भी एक एक्ट है, ये भी एक एक्ट है, ये बोल रहा है इंफॉर्मेशन नहीं देनी, ये बोल रहा है इंफॉर्मेशन देनी, तो ये ऊपर चला जाएगा। बस शर्त ये है कि वो इंफॉर्मेशन जो खुद आरटीआई ने रोक रखी है वो नहीं देनी है, बाकी सब देनी है। कोर्ट लिमिटेशंस, कोर्ट का भी बोला गया कि तुम भैया इंटरफेयर कम ही करना, क्योंकि कोर्ट में चला जाएगा मामला, फिर स्टे लग जाएगा, फिर अगला बंदा और पेशी निकालेगा, फिर और अपर कोर्ट में जाएगा, तो काम कभी खत्म नहीं होगा। उनको बोला कि मिनिमल इंटरफेरेंस, हमने चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को ही दे दी पावर कोर्ट की, तुम कम करना इंटरफेयर, ओनली अपील प्रोसेसेस आर वैलिड। ये कि भाई हमने सर, ये कोर्ट में जा सकता है कि सर हमने अपील की थी, वहां से भी नहीं मिला, वहां भी अपील की, वहां से भी नहीं मिला, इंफॉर्मेशन कमीशन से भी नहीं मिला, अब तुम इंटरवीन कर सकते हो। ठीक है, अब सेक्शन 24 बता रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जेम्प्ट है, ये ऑर्गेनाइजेशन सब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे शेड्यूल 2 में, वो आगे आएगा। तो इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह वगैरह, इन पे आप सवाल जवाब नहीं कर सकते, सिवाय तब जब आपके पास प्रूफ हो इन्होंने ह्यूमन राइट वायोलेशन किया या करप्शन किया, तब आप इनसे भी पूछ सकते हैं। इन दो रीजंस में अगर आपको शक है कि इनने ह्यूमन राइट्स वायलेट किया या फिर इन लोगों ने करप्शन की है, तो उसके बारे में सवाल जवाब हो सकता है, बाकी किसी बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं पूरे एक्ट पे, जो मैंने नोट्स बनाया अलग से, तो मैं थोड़ा आपको यूज टू करवा रहा था, डायरेक्टली एक्ट पढ़ना बड़ा बोरिंग होता है। बेयर एक्ट, लो जी ये मैंने लिख दिया यहां पे, किस डेट को पास हुआ, कब इंप्लीमेंट हुआ वगैरह बता चुका। अब आ गया, ये बात तो समझ में आ गई कि आरटीए एक्ट 2005 कब पास हुआ, कब एनएक्ट हुआ। अब ये सवाल होता है कि जो 2019 की अमेंडमेंट थी ये कब पास हुई, तो 19 की अमेंडमेंट जो है वो लाई थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह पार्लियामेंट में, लोकसभा में पास हुई 22 जुलाई 2019 को और राज्यसभा में पास हुई 25 जुलाई 2019 को। ठीक है, ये अमेंडमेंट क्या है मैं एंड पे बताऊंगा, फिलहाल सिर्फ डेट याद रखना। अब दोबारा से हम वही चीजें पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल ऑफिशियली टाइटल द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इसने बता दे कि है इस एक्ट को राइट टू इन्फॉर्मेशन, अभी तक जो हमने पढ़ा मानो वो इंडेक्स था, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफेक्टिव इमीडिएटली इन स्पेसिफिक सेक्शन विद रिमेनिंग प्रोविजन कमिंग आफ्टर 120 डेज, कि भाई 12 जून को, सॉरी क्या वो जून था, वो 15 जून को कुछ सेक्शन आए, 12 अक्टूबर को फुल सेक्शन हो गई, वही बता रहा है। सेक्शन 2 डेफिनेशन, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मतलब है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जो पब्लिक अथॉरिटी पे डिपेंडेंट हो। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, अभी बता दिया मैंने आपको, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है वो भी बता दिया, और इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, क्या क्या आप कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, आप कॉपी बना सकते हो, सैंपल ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन रिव्यू कर सकते हो प्रिंट फॉर्मेट में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, पेनड्राइव भी ले सकते हो, लो पेनड्राइव में डाल के दो, मुझे कोई मना ही नहीं है उसमें। चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 3 जो बोल रहा है कि भाई सेक्शन 3 बोल रहा है कि ऑल द सिटीजंस हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये मैंने बताया आपको। सेक्शन 3 जरूरी याद रखना, सेक्शन 1 याद रहेगा टाइटल, इस एक्ट का नाम क्या है, सेक्शन 2 डेफिनेशंस पब्लिक अथॉरिटी का क्या मतलब है, सेक्शन 3 राइट इंफॉर्मेशन, ये हमें हक दे रहा है। सेक्शन 4 ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये अगर ना भी याद रहे बस इतना याद रहे कि सेक्शन 4 में ऑब्लिगेशन दी गई है
वही जो मैंने वहां पर भी पढ़ा, इनको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, इनको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और सैलरी बताना है, पावर बतानी है, इनको रूल्स रेगुलेशन बताने हैं, इनको सारे सरकारी मुलाजमों की एक डायरेक्टरी बनानी है। आज आप किसी भी सरकारी वेबसाइट पर चले जाओ, जेके एसएसबी की वेबसाइट पर भी क्यों ना चले जाओ, जेके पीएससी की वेबसाइट पर चले जाओ, वहां सब दिखाएंगे कौन का चेयरमैन है, कौन इनके मेंबर्स हैं, उन चेयरमैन का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उनका ईमेल आईडी क्या है, वो कहाँ से क्या क्वालिफिकेशन है उनकी, क्यों उनको अपॉइंट किया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर मिलेगी। ये इस एक्ट के तहत बोला गया था, यही वो सेक्शन है सेक्शन 4 जो उनको फोर्स कर रहा है करने के लिए। अब यूनिवर्सिटी का पेज खोल लो, अब म्यूनसिपैलिटी का पेज खोल लो, सब जगह आपको पता जरूर चलेगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, साइड में होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वो इस एक्ट ने फोर्स किया सबको बताने के लिए कौन कौन क्या है। आप दिल्ली जा रहे हो दफ्तर की, यार फलाने बंदे से मिलना है, तो आप बंदे तो उसी से पूछ रहे हो जिससे मिलना है, लेकिन बोला सर मुझे नहीं पता कौन है। अब उसकी वेबसाइट पर जाओ, उसकी शक्ल लगी हुई वहां पे, फिर कहाँ भागेगा आप। अच्छा एक चीज और है जो हमने वहां नहीं पढ़ी, वो ये है आप ये तक पूछ सकते हो गवर्नमेंट से, ये डिसीजन आपने लिया क्यों, अगर आपने इस बार ये नाला तोड़ा तो क्या सोच के तोड़ा, क्या लॉजिक था, क्या तर्क था, ये भी पूछ सकते हो। पहले तो ये था ना कितना पैसा लगा, कब बनाया, ये भी पूछ सकते हो कि किया क्यों, क्यों तुमने ऐसा किया, क्या जरूरत थी, क्या तुम्हें किसी ने पैसे खिलाए थे या फिर सच में जरूरत थी, ये भी पूछ सकते हो कि डिसीजन लिया तो लिया क्या, ये सेक्शन 4 बताता है। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ये याद रख लेना, सेक्शन 4 सबसेक्शन 2। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर का मतलब है इन्हें बोला खुद डिक्लेयर करो, आरटीआई एप्लीकेशन का वेट मत करो, तुम्हारा काम कम हो जाएगा अगर तुमने खुद डिक्लेयर किया। सेक्शन 5 बताता है वही डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ, हर जगह पर हर दफ्तर में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाओ जिसका काम होगा एप्लीकेशन लेना, रिसीव करना, इंफॉर्मेशन देना। सेक्शन 6 बताता है कि आपको इंफॉर्मेशन अगर मांगनी है कैसे मांगनी है, एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, वो सब प्रोसीजर सेक्शन 6 में आता है, बस सेक्शन 6 ये याद रखना है। सेक्शन 7 डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, ये पीआईओ के लिए है कि भाई तुम्हें कितने टाइम में रिक्वेस्ट डिस्पोज ऑफ करना है, 30 दिन में या फिर 48 घंटे में, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी इंफॉर्मेशन है। सेक्शन 8 एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर, अब देखो डिटेल में कौन कौन सी चीजें एग्जेम्प्ट हैं जिनके बारे में आप नहीं पूछ सकते, नेशनल सिक्योरिटी या फिर सॉवरेनिटी या फिर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है किसी दूसरे देश के साथ हमारी दोस्ती, कि इसराइल के साथ हम इतना क्या सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, क्या दे रहे हो तुमको, वो नहीं पूछ सकते, स्ट्रेटजिक है वो। इंफॉर्मेशन फॉरबिडन बाय कोर्ट, अगर किसी कोर्ट ने बोल दे कि इंफॉर्मेशन नहीं डिक्लेयर करनी तो फिर आप नहीं मांग सकते उसको। जैसे कि अक्सर लोग बोलते हैं मीडिया जी मेरे बारे में पब्लिक कोर्ट चला रही है तो इनको बोलिए कि हमारे केस में इंटरवीन ना करें, होता है ना ऐसा, तो फिर मीडिया बोलती है कि नहीं, मीडिया को मना करती है फिलहाल इस केस के बारे में कोई बात मत करो जब तक हम फाइल ना करें। ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कमर्शियल कॉन्फिडेंशियल, अनलेस पब्लिक इंटरेस्ट वॉरंट्स डिस्क्लोजर। आप किसी बंदे से पूछ लो कि ट्रेड सीक्रेट बताओ अपना, जब तक कि उसके डिक्लेयर करना अनिवार्य हो लोगों के इंटरेस्ट के लिए तब तक आपसे नहीं मांग सकते। आप बताओगे हाँ भाई आपने इन्वेंट किया बताओ फॉर्मूला दवाई का हम भी छापे, वो नहीं ना देगा वो, जब तक कि ये ना हो जाए कि यार पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो। कैबिनेट पेपर, अनलेस डिसीजन आर फाइनलाइज्ड इन पब्लिक, कैबिनेट के बारे में आप नहीं पूछ सकते जब तक खुद ही वो पब्लिक ना कर रहे। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन फिड्यूशरी रिलेशनशिप और कन्वेंशनल कम्युनिकेशन फॉरेन गवर्नमेंट, फिड्यूशरी का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, कितना पैसा लोगे, अगर तुम बोलोगे हाँ भाई फलाने से तुम कुछ ले रहे हो कितना पैसा दे रहे हो उनको, ये नहीं बता सकते, क्योंकि अगर पेमेंट के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन आ जाए वो घातक हो सकती है। अच्छा 1000 करोड़ रुपया तुमने इसके लिए दिया है वहां पे, जैसे एक बार हुआ था इटली की कंपनी से वीआईपी हेलीकॉप्टर ले रही थी सर, तो लीक हो गया कि इतने 1000 करोड़ का आई, तो ऑपोजिशन ने हल्ला मचा दिया, तुम इधर राजा महाराजाओं की तरह बड़े बड़े हेलीकॉप्टर ले रहे हो, यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, तो उसका मिस यूज करते हो, तो वो नहीं बताया। ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ड्यू टू कॉपीराइट, एक और सेक्शन 9 ने बताया कि अगर तो किसी का कॉपीराइट है और आप वो इंफॉर्मेशन मांग रहे हो वो तो नहीं मिलेगी। ये वही बात हो गई कि इन्वेंशन है किसी का, फॉर्मूला है किसी का, कॉपीराइट, अगर वो आप मांग रहे हो तो वो तो नहीं दे सकता, वो उसकी रोजी रोटी है, कॉपीराइट मेरा है, मैंने इन्वेंट किया, मैं क्यों दूं तुमको, मैंने बुक छापी तुम बोल रहे हो उसका पूरा बता दो मुझे, इसका पूरा क्या सिस्टम है। आगे चैप्टर 3 सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, वही लिखा है इसमें कि
एक सेंटर में होगी, एक स्टेट में होगी, एक होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, 10 होंगे इंफॉर्मेशन कमिश्नर, बाकी सब चीजें। और इसमें यह भी लिखा है कि उनकी जो एज होगी या टेन्योर होगा वो होगा या तो 5 साल या तो 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले आ जाए। अगर वो 65 ईयर्स पहुंचे से पहले ही 5 साल सर्व करे तो वो खत्म हो जाएगा उनका टेन्योर, या फिर अगर वो पहले ही 65 ईयर्स में पहुंच गए, 5 साल ना भी हो तब भी खत्म हो गया। इसी चीज को 2019 के अमेंडमेंट ने अमेंड किया, ये अमेंड किया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो कितना सर्व करेंगे। पहले तो एक्ट बोला था ना 5 साल या 65 साल, 65 ही बोलेंगे ना, 65 होता है, इनमें से जो भी पहले आ जाए। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, जो हम बोलेंगे वही। फिर बोला था इसमें कि इनकी जो सैलरी होगी वो इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगी, वो हम आगे पढ़ लेंगे ना। बिल्कुल, अपॉइंटमेंट प्रोसेस ही मैंने बता दिया, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है। टर्म्स एंड कंडीशन 5 साल या 65 साल। मेंबर्स कैन नॉट होल्ड ऑफिस, अगर आप मेंबर बन गए उस दौरान आप दूसरा काम नहीं कर सकते। पता चले आप ही की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी ने इन्फॉर्मेशन पूछ ली, आप ही जज बैठे हुए हो, वो नहीं कर सकते। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का भी यही है, एक चीज स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होगा, 10 स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, अपॉइंट कौन करेगा, सीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट, सेम। फिर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सीआईसी वही 5 साल या 65 साल, बिल्कुल सेम है। अच्छा, ये बता रहा है सेक्शन 16 में पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट दिए गए इसको, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को बोला गया आप कमीशन तो हो ही, बट हम आपको सिविल कोर्ट की पावर भी दे रहे हैं, आप कोर्ट की तरह लोगों को बुला सकते हो कि आओ यहाँ पेशी दो, अपना इन्फॉर्मेशन सबमिट करो, डेटा मंगवा सकते हो, ताकि यहीं पर डील हो जाए सारा काम, कोर्ट ना जाना पड़े, वरना फिर कोर्ट में कचहरी में चक्कर लग रहे हैं लोगों के, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी 5 महीने वो कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए कोर्ट को तुम इंटरव्यू मत करो, हम उल्टा इन्हीं को पावर ऑफ कोर्ट दे दें इसको, इन्फॉर्मेशन कमीशन को। अपील प्रोसेस, पहली अपील 30 दिन में, दूसरी अपील 60 दिन में, 20 पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी एक्शन, अगर कोई नहीं देगा 250 रुपए के हिसाब से पेनल्टी पड़ेगी, और अप टू 25,000 तक भी पेनल्टी डाली जा सकती है। ये भी बता दिया मैंने कि आरटीए ओवरराइड करेगा, ओवरराइड, मैंने इसमें सिर्फ वही सेक्शन लिखे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसमें से आप जितने मैक्सिमम हो सके याद कर लो, जैसे कि सेक्शन 3 हो गया, सेक्शन 8 हो गया, सेक्शन 22 हो गया, सेक्शन 24 हो गया, बाकी अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, बट मेन मेन याद करें ना, ऑब्लिगेशन, पेनल्टी, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैंने सारे सेक्शन ही लिखे इसमें, जो याद करने के लगे बस वही लिखे हैं। सेक्शन 23 बार ऑन कोर्ट जुरिस्डिक्शन, आपको पूछेगा विच द फॉलोइंग सेक्शन स्टॉप्स द कोर्ट टू इंटरवीन, सेक्शन 23 हो गया। अब देख लो यहाँ कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 24 इंटेलिजेंस ब्यूरो से पूछ नहीं सकते, रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ से नहीं पूछ सकते, और अगर इनसे पूछना है तो आपको इन पर्टिकुलर बोलना पड़ेगा कि इन्हें करप्शन की या फिर इन्हें ह्यूमन राइट वायलेशन की, तब पूछ सकते हो, अदरवाइज नहीं पूछ सकते। एनुअल रिपोर्ट भी बता दिया मैंने आपको, सेक्शन 25 के तहत इनको एनुअल रिपोर्ट देनी होती है। ओके ओके है, पता नहीं। अब आते हैं हम अमेंडमेंट्स पे। सबसे पहला अमेंडमेंट हमने किया, जो ये 65 ईयर्स तक के लिए ऑफिस करते थे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई द टर्म ऑफ ऑफिस। उन्होंने कहा कि अब फिलहाल 65 ईयर नहीं, हम बताएंगे कितने साल रहेगा। तो पहली चीज हुई अमेंड की, 65 या 5 ईयर्स नहीं है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बताएंगे, नोटिफाई करेंगे कितने साल तक ये मेंबर रहेंगे। अब इसमें क्या गड़बड़ है, अगर सेंट्रल और स्टेट खुद अपनी मर्जी से इनकी टर्म ऑफ ऑफिस बता रहे हैं, तो फिर इनके इनके पास तो कोई गारंटी नहीं ना है कि ये कब तक रहेंगे। तो इनको कुछ कह सकता है, कहेगा हाँ भाई 3 साल बताया था मैंने, लेकिन अगर मेरी इन्फॉर्मेशन छुपा देगा तो मैं 1 साल और दे दूंगा। तो इस सेंस में लोगों ने बड़ा अपोज किया था अमेंडमेंट का, वे क्या कर रहे हो, बेचारा मेंबर को श्योरिटी नहीं कि वो कल चेयर पे बैठा होगा नहीं बैठा होगा, तो इसमें बड़ा शोर हल्ला मचा था। दूसरा इनने बोला क्या, हाँ सैलरी, पहले एक्ट बोलता था कि इनकी सैलरी इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर होगी, जितनी सैलरी इलेक्शन कमिश्नर ले रहा उतनी ये भी लेंगे। अब सरकार बोली नहीं, वो हम बताएंगे कितनी लेंगे, हम नोटिफाई करेंगे। फिर से वही बात, अब इलेक्शन कमिश्नर को अगर तुम सैलरी बढ़ा घटा रहे हो तो उसको लालिमी तो दे सकते हो, काम कर तू छोड़ दे, मैं तेरी सैलरी बढ़वाता हूँ अगले महीने, अगले साल 2 लाख करवा देता हूँ ऐश कर,
तो ये जो सैलरी वाला पॉइंट और ये टाइम पीरियड वाला टाइम था, ये था ही इसलिए कि इलेक्शन कमीशन को टेंशन ना हो कि मेरे को ये निकाल देंगे, ये बिना धड़के से काम कर सके। तो चोर इसी बात में चला अपोजिशन में कि ये क्या कर रहे हो, तो गलत कर रहे हो। तीसरी चीज ये थी कि अगर तो कोई इलेक्शन कमिश्नर सरकारी मुलाजिम था अपॉइंट होने से पहले और वो आपकी वो ले रहा है पेंशन ले रहा है, तो जितनी सैलरी उसको एज इलेक्शन कमिश्नर मिलनी थी उसमें से पेंशन अमाउंट को माइनस कर दिया जाएगा, सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना आपके पेंशन कार्ड के रहता है। मान लो डिसाइड हुआ कि इलेक्शन कमीशन की सैलरी 1,00,000 रुपए होगी, लेकिन जिस बंदे को अपॉइंट किया वो सरकारी मुलाजिम रह चुका, उसको पेंशन 50,000 की मिल रही है। तो एक्ट पुराना एक्ट कहता था इसकी जो सैलरी बनेगी वो 50,000 कार्ड के बनेगी, क्योंकि उसको 50,000 का पेंशन मिल ही रही है। नया एक्ट कहता है कि नहीं, कटेगी वटेगी नहीं, हम देखेंगे। तो ये था आरटीआई एक्ट, एट द वेरी लीस्ट जितना आपको पढ़ने की जरूरत है, इंशाल्लाह इसमें सारे सवाल निकल जाएंगे आपके। ये पीडीएफ मैं अभी आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ और इस पे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे।